नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। हर कोई चाहता है कि उसके वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे, कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, अपने पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा समय बिताए और समय बिताने के साथ साथ उससे वह बातें शेयर करे जो दिन भर में हुई है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से कभी भी शेयर नहीं हो पाता। लेकिन हम अगर जानना चाहें तो हमारे पुराणों में और हमारे फेंगशुई के मुताबिक हमारे आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर हर पहलू पर हमारे फर्क पड़ता है। और उस प्रभाव के कारण हमारे जीवन का अहम पहलू हमारे उस लाइफ से कट जाता है या फिर हट जाता है, जिसकी वजह से हम उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते। और उस पल के गुजर जाने के बाद हमें वह पल आसानी से याद रह जाता है कि हमारा वह पल था जिसमें हम वह बातें कर सकते थे लेकिन हमने की नहीं। लेकिन यदि आप अपनी लाइफ को लव वर्ड्स की तरह बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा लव लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फेंगशुई में कुछ उपाय हैं। यदि आप करते हैं तो आपके घर में और आपके पार्टनर के बीच आपकी थिंकिंग आएगी और लव वर्ड्स जैसा प्यार भी बढ़ेगा। जानते हैं आज कौन से हैं ऐसे उपाय। नंबर एक, वैवाहिक पति पत्नी अपने कमरे में कभी भी टीवी ना लगाएं, क्योंकि टीवी का इफेक्ट सबसे ज्यादा उनकी लाइफ पर ही पड़ता है। कभी भी अगर थके हारे भी पति देव आएंगे तो वह हमेशा टीवी ऑन करेंगे और बैठ जाएंगे, बस सारा समय उनका टीवी के साथ या फिर ऑफिस में, आपको समय दे ही नहीं पाते। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने बेडरूम में कभी भी टीवी ना लगाएं, क्योंकि जो भी उनके पास थोड़ा भी समय होगा उसमें आप अपनी बातें करें, जिसकी वजह से आपके और उनके दोनों के विचारों के बारे में जानने को मिलेगा और आप एक दूसरे से बातें शेयर करोगे तो हंसी मजाक और अपनी जो टेंशन है दिन भर की वो सारी भूल जाओगे। और कोशिश करें कि अपने कमरे में गैजेट भी ना रखें, मोबाइल, ऐसे प्ले वाले गेम जो आप हमेशा खेलते रहते हो तो वह भी गैजेट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि गैजेट का असर सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ पर ही पड़ता है। आप जो संवाद करने के लिए यानी कि वार्तालाप करने के लिए जो समय मिलता है वह सब खो देंगे और कभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। नंबर दो, वैवाहिक जोड़े को सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना चाहिए अपने बिस्तर का, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कमरे में, जिसपे आप सबसे ज़्यादा समय बिता सकते हैं। और यदि आपका बेडरूम में पलंग है, भाई जोड़े के लिए अगर कमरे में डबल बेड का बिस्तर है या फिर पलंग है, उस पर हमेशा कभी भी गद्दा अलग अलग करके ना बिछाएं, हमेशा गद्दा एक ही बिछाएं, जिससे पति पत्नियों के बीच में दूरी नहीं आएगी। और वह गद्दा मलबल या सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी बातों को शेयर कर सके, दिन भर की जो थकान है उसे दूर कर सके और अपने पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा समय बिता सकें। यह सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है, जिससे आपके घर में और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। नंबर तीन, अपने कमरे में तालाब, झरने या फिर पहाड़ों जैसी तस्वीरें बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि यह तस्वीर आपको ज़्यादा इफेक्टेड करती है और वह आपके दिमाग में वह स्थिति पैदा करती है जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े भी हो सकते हैं। आप अपने कमरे में फवारा भी ना लगाएं, मछलियाँ भी ना रखें, क्योंकि ये भी आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनमें से कोई भी तस्वीर ना लगाएं जो पानी से रिलेटेड हो, जिसमें बहता हुआ कुछ हो, जिसकी वजह से आपके जीवन के जो इमोशन है वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं और उससे आपके जीवन में और पार्टनर के बीच में जितने भी इमोशन एक साथ रहते हैं वह सारे के सारे आपसे दूर हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये तस्वीरें बिल्कुल ना लगाएं। पर चार, फेंगशुई के अनुसार आप कभी भी सिंगल कुर्सी या फिर सिंगल बर्ड्स की फोटो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वह आपके बीच में अकेलेपन को महसूस करती हैं, जिसकी वजह से आपको अपने पार्टनर का साथ भी पसंद नहीं आता। तो आप कोशिश करें कि सिंगल बर्ड्स या फिर सिंगल कुर्सी की तस्वीर कमरे में या बेडरूम में बिल्कुल ना लगाएं। हमेशा अगर तस्वीर लगानी है तो हमेशा जोड़े के साथ लगाएं, या फिर जानवर की हो या फिर कुर्सी की, जो भी फोटो लगा रही है वह हमेशा हंसती हुई होनी चाहिए, प्रसन्नचित होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉयबल होनी चाहिए और हमेशा जोड़े में होनी चाहिए, चाहे वह तस्वीर हो या फिर मूर्ति, हमेशा जोड़े में ही खरीदें और जोड़े में ही अपने बेडरूम में लगाएं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। नंबर पाँच, यदि आपका बेडरूम इस तरह से पड़ता है कि आपके खिड़की के सामने आपका पलंग पड़ता है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि खिड़की और आपके बिस्तर के बीच में एक पर्दा ज़रूर हो, जिससे कि आपके बीच में नकारात्मक प्रभाव ना आए और आपका तनाव भी दूर रहे, क्योंकि
अगर आपका पलंग और खिड़की बिल्कुल एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो वह आपके बीच में तनाव पैदा करता है और तनाव होने से आपके बीच में मनमुटाव होगा, जिससे लड़ाई झगड़े होंगे तो वह आगे तक बढ़ जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि उस बीच में आप पर्दा डालें, जिससे नकारात्मक चीजें दूर हो जाएंगी और आपके बीच में सकारात्मकता आएगी। एक दूसरे को समझने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह आपका बेडरूम ही होता है, जहाँ पर आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं और आप एक दूसरे से बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने बेडरूम को एकदम संजो कर रखें, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आए और कोई भी परेशानी ना आए। तो ये है वह कार्य यदि आप अपने बेडरूम में करते हैं तो आपके बेडरूम में खुशहाल रहेगा, वैवाहिक जीवन खुश रहेगा, खुशनुमा रहेगा और लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।